बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और चैप्टर नंबर बच्चों हमने 3 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने 3.1 से लेकर 3.7 तक तमाम एक्सरसाइज भी बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, और इनकी मसालें भी करवा दी हैं। और बच्चों आज मैं स्टार्ट करूँगा मुतफरक मशक, जिसको हम कहते हैं आधा मशक, चैप्टर नंबर 3 की। तो बच्चों उसके एमसीक्यूज़ हैं, दिए गए सवालात के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त के लिए टिक का निशान लगाएं। बच्चों हमने जो जवाब हमारा दुरुस्त होगा हमने उसके ऊपर क्या लगाना है, टिक का निशान लगाना है। बच्चों इसका जोज नंबर 1 ले लिया, निस्बत ए निस्बत बी में ए कहलाता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए ये जो सी ए निस्बत बी के अंदर ए में ए कहलाता है, ताल्लुक पहली रकम, दूसरी रकम और कोई नहीं। बच्चों आपको ये इसमें से चारों जोजों में से कोई जोन सा दुरुस्त है उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है हमने। तो बच्चों हमें पता है ये पहली रकम होती है ए निस्बत, और ये बी वाली क्या होती है, दूसरी रकम। तो मैं कह सकता हूँ ये कौन सी रकम है, पहली रकम है, तो इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, टिक का निशान लगा दूंगा। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 है, निस्बत एक्स निस्बत वाई में वाई कहलाता है, ये पहली रकम होगी तो ये वाई वाली क्या होगी, दूसरी रकम। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो सा कौन सा आंसर बनेगा, दूसरी रकम है हमारे पास, वाई क्या है, दूसरी रकम है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, टिक का निशान लगा देंगे। बच्चों इसी तरह तनासब ए निस्बत बी और सी निस्बत डी में ए और डी कहलाता है। तो बच्चों आप लोगों को पता है बच्चों ए निस्बत बी इज इक्वल टू तनासब सी निस्बत डी। तो बच्चों उसने हमें ये पूछा है बी ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी में ए और डी कहलाता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए ए और डी का मतलब क्या है, तरफैन का हासिले ज़रब, और ये होता है वस्तैन का हासिले ज़रब। ए और डी क्या कहलाएगा, तरफैन का हासिले ज़रब। तो बच्चों हम यहाँ पर किसके ऊपर निशान लगा देंगे, तरफैन के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे, क्योंकि तरफैन का हासिले ज़रब बनता है। इसी तरह बच्चों ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी में बी और सी कहलाता है। अब बच्चों बी और सी है हमारे पास, आप लोगों को पता है ये वस्त के अंदर आ गया, तो ये तरफैन का हासिले ज़रब नहीं होगा बल्कि वस्तैन का हासिले ज़रब। बच्चों क्या कहलाएगा, वस्तैन का हासिले ज़रब, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, टिक का निशान। तो इसी तरह बच्चों मसलसल तनासब ए निस्बत बी इज इक्वल टू बी निस्बत सी, अगर हो तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर में ए और सी के दरमियान बी डैश कहलाता है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए ए निस्बत बी इज इक्वल टू बी निस्बत सी, इस तरह है बच्चों। ये आप लोगों को पता है तरफैन का असले जरब किसके बराबर है, ए सी इज इक्वल टू वस्तैन का असले जरब, वस्तैन का असले जरब बी का स्केयर हो जाएगा। तो बच्चों ये जो सी ये अब ये जो सी वैल्यू उसने पूछा क्या कहलाती है, ये जो सा बी, बच्चों आप लोगों को पता है ये जो सी बी वाली रकम है, उसने में कहा ए और सी के दरमियान। बच्चों ये ए और सी के दरमियान जोन सा ये बी है, ये डैश तनासब कहलाता है, आप लोगों को पता है ये वस्त तनासब कहलाता है, इसलिए हम इसके ऊपर कौन से के ऊपर निशान लगाएंगे, वस्त तनासब के ऊपर टिक का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इसी तरह जोज नंबर इसका 6, जोज नंबर 6 के अंदर मसलसल तनासब ए निस्बत बी इज इक्वल टू बी निस्बत सी में ए और बी से सी, सी बच्चों क्या कहलाएगा हमारा, तीसरा मतनासब, क्योंकि बच्चों उसने हमें रकम दे दी थी ए निस्बत बी और बी निस्बत सी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भी ये जो उसने उसने हमें ये पूछा ये जो सा सी है ये हमारा क्या कहलाएगा, तीसरा मतनासब, क्योंकि
क्योंकि ये पहला मतनासब हो गया, ये दूसरा मतनासब, इन दोनों जो क्योंकि हमने इसको दो बार रिपीट करवाया हुआ है, ये दूसरा मतनासब हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरा मतनासब। तो बच्चों इसके ऊपर कौन सा निशान लगा देंगे, तीसरे के ऊपर ए का टिक का निशान लगा देंगे। तो बच्चों ये जोज नंबर था हमारा 6। इसी तरह बच्चों जोज नंबर हम 7 करेंगे। अगर बच्चों हमें 4 निस्बत एक्स तनासब 5 निस्बत 15 में एक्स मालूम करें, बच्चों हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास है 4 निस्बत एक्स तनासब 5 निस्बत 15। तो आप लोगों को पता है इस तनासब को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, तरफैन का असले ज़रब, तरफैन का असले ज़रब, और ये दरमियान वाली दोनों रकमों को ज़रब करेंगे तो इसका होता है वस्तैन का हासले ज़रब। तो बच्चों तरफैन का असले ज़रब हमारे पे 4 ज़रबे 15 इज इक्वल टू वस्तैन का असले ज़रब 5x आ गया। तो बच्चों ये 5 क्या है, इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आगे 5 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो 5 कम 5, 5 3 15 और 4 3 12, हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, 12। 12 कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर मौजूद है 12। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, टिक का निशान लगा देंगे। ये था हमारे पास जोज नंबर 7। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 8 की बात करेंगे। बच्चों जोज नंबर 8 हमारे पास यू तगीरे रास्त है वी स्केयर। तो बच्चों आप लोगों को पता है अगर वी यू तगीरे रास्त है वी स्केयर के साथ, बच्चों इस तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो मसावी, फिर हमें के, और ये वी स्केयर इसी तरह आ गया। बच्चों इस तगीर की अलामत को ख़त्म करेंगे तो मसावी लिखेंगे, के और वी स्केयर, तो बच्चों ये वाला आंसर बनता है। तो यहाँ कहाँ पर मौजूद है हमारे पास, यूज इक्वल टू के वी का स्केयर, यूज इक्वल टू के वी का स्केयर। तो इसके ऊपर टिक का निशान लगा देंगे बी जोज के ऊपर। तो बच्चों ये था हमारा फाइनल आंसर इसका। इसी तरह बच्चों अगर जोज नंबर 9 की बात करता हूं मैं, जोज नंबर 9 के अंदर हम वाई का स्केयर तगीरे मकूस है हमारे पास 1/x³। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस वैल्यू को हम हल करेंगे तो ये वाई स्केयर। इसी तरह इस तगीर की अलामत को ख़त्म करने के लिए एक तो हमने मसावी लिखनी है, फिर के, और नीचे ये x³ इसी तरह आ गया। बच्चों ये वाला आंसर बनेगा इसका। तो हम यहाँ से देख के लगा देंगे वाई का स्केयर के और x³। बच्चों कौन सा बनेगा, ए जोज। इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, टिक का निशान। इसी तरह बच्चों उसने जोज नंबर 10 के अंदर, बच्चों ये जोज नंबर 10 समझने वाला है, U बटा V इज इक्वल टू V बटा W इज इक्वल टू K। बच्चों हमें पता है ये दोनों वैल्यू किसके बराबर है, K के बराबर। हम U ओवर V इज इक्वल टू K कर देंगे, V ओवर W इज इक्वल टू K कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा U इज इक्वल टू V के। ये V इस तरफ क्या है, तकसीम, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगा। इसी तरह बच्चों ये V यहाँ पर आ जाएगा, ये W तकसीम है, उस तरफ जाके क्या आ जाएगा, ज़रब। तो बच्चों क्या करेंगे, हमें ये U इसी तरह रह गया, V की कीमत पुट कर देंगे, V हमारे पास ये वाली रकम है, WK, और ये वाला K इसी तरह आ गया। बच्चों यहाँ पर V की कीमत दर्ज करेंगे, कौन सी V की कीमत, ये वाली। तो हमारे पास आ गया U इज इक्वल टू WK का स्केयर। बच्चों ये वाला आंसर बनेगा इसका, U इज इक्वल टू WK का स्केयर, U इज इक्वल टू WK का स्केयर। बच्चों कौन सा जोज बनेगा, ए। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, टिक का निशान। इसी तरह बच्चों उसने जोज नंबर 9 के अंदर, बच्चों ये जोज नंबर 10 था, इसी तरह जोज नंबर 11 के अंदर एक्स स्केयर और वाई स्केयर एक तीसरा मतनासब है, एक्स स्केयर और वाई स्केयर एक तीसरा मतनासब है। तो बच्चों हम क्या कर लेंगे, एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर, हमारे पास ये दो वैल्यू है, हम फर्ज करेंगे कि तीसरा मतनासब हमारे पास किसके बराबर है, सी के बराबर, हम सी ले लेंगे तीसरा मतनासब, फर्ज कर लेंगे।
तो आप लोगों को पता है एक्स का स्क्वायर निस्बत वाई का स्क्वायर प्रोपोर्शनल वाई का स्क्वायर निस्बत तीसरा मतनासब जो हमने फ़र्ज किया हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस रकम को ज़रब करेंगे तरफैन का असले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का असले ज़रब। तरफैन क्या हमारे पास सी और एक्स स्क्वायर, वस्तैन क्या हमारे पास वाई का स्क्वायर ज़रब वाई का स्क्वायर। तुम्हारे पास आ गया वाई की पावर फोर सी एक्स का स्क्वायर। बच्चों ये देख लें हमने ये सी की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर उस तरफ जाके क्या हो जाएगा वाई की पावर फोर नीचे एक्स का स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास आ गया तीसरा मतनासब वाई की फोर और एक्स स्क्वायर। बच्चों वाई की फोर और एक्स स्क्वायर बच्चों ये वाला आंसर बनेगा सी जोज। इसके ऊपर क्या लगा देंगे टिक का निशान। तो बच्चों ये हमारे पास मैंने इस 11 MCQs थे बच्चों, मैंने बड़ी आपको कंसेप्ट के साथ समझाए हैं। इसी तरह बच्चों इसके नेक्स्ट करेंगे MCQs। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 12 एक्स निस्बत वाई प्रोपोर्शनल वी निस्बत डब्ल्यू में चौथा तनासब डब्ल्यू है। और बच्चों इसका ए जोज एक्स वाई ओवर वी। और बच्चों इसका बी जोज बी ऑप्शन इसका वी वाई ओवर एक्स। और सी ऑप्शन एक्स वाई वी। और बच्चों इसका डी ऑप्शन हमारे पास एक्स ओवर वी वाई। इसी तरह बच्चों MCQs नंबर हमारे पास 13 अगर ए निस्बत बी इज इक्वल टू एक्स निस्बत वाई हो तो अब्दाले निस्बत है। तो बच्चों हमारा ए जोज बी जोज सी ऑप्शन डी ऑप्शन। तो बच्चों ऑप्शन लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ए ओवर एक्स इज इक्वल टू बी ओवर वाई। इसी तरह बच्चों ए ओवर बी इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई। सी ऑप्शन हमारे पास ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर वाई। तो इसी तरह बच्चों डी ऑप्शन हमारे पास ए माइनस बी ओवर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर वाई। बच्चों ये हमारे पास ऑप्शन जोज नंबर इसका 13 था। इसी तरह जोज नंबर 14 ए निस्बत बी इज इक्वल टू एक्स निस्बत वाई हो तो अक्स निस्बत है। ए ओवर एक्स इज इक्वल टू बी ओवर वाई। इसी तरह बी ऑप्शन ए ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स माइनस वाई। सी ऑप्शन ए प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर वाई। इसी तरह बच्चों डी ऑप्शन इसका बी ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 15 अगर हमारे पास ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी हो तो
तरकीबे निस्बत। बच्चों इसमें सिर्फ तरकीबे निस्बत है, तो बच्चों ए जो ए ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ओवर सी प्लस डी। इसी तरह बच्चों बी ऑप्शन इसका ए ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी ओवर सी माइनस डी। इसी तरह बच्चों सी ऑप्शन इसका ए डी ओवर बी सी। बच्चों डी ऑप्शन ए माइनस बी ओवर बी इज इक्वल टू सी माइनस डी ओवर डी। बच्चों हमने इसके 11 जोज़ कर लिए थे एमसीक्यूज़ के। इसी तरह बच्चों इसमें हमने 12वां जोज़, 13वां, 14वां, 15वां, ये चार जोज़ रह गए थे। तो बच्चों सबसे पहले उसने हमें ये वैल्यू दे दी है एक्स, जोज़ नंबर 12, एक्स निस्बत वाई तनासब वाई वी निस्बत डब्ल्यू में चौथा मतनासब डब्ल्यू है। तो बच्चों हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए एक्स निस्बत वाई तनासब वी निस्बत डब्ल्यू। तो बच्चों आप लोगों को पता है चौथा मतनासब डब्ल्यू की हमने वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों को पता है इस तनासब को ख़त्म करने के लिए तरफैन का असले ज़रब एक्स डब्ल्यू आ गया, फिर वस्तैन का हासिल ज़रब, वस्तैन क्या होती है दरमियान वाली दोनों रकमों को ज़रब कर देंगे तो ये वी वाई आ जाएगा। और यहाँ से हमने डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है वी वाई, यहाँ पर एक्स क्या है ज़रब इस तरफ आके एक्स क्या हो जाएगा तकसीम। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा वी वाई ओवर एक्स, वी वाई ओवर एक्स। बच्चों कौन सा जोज़ बनेगा, बी जोज़ चौथा मतनासब, इसके ऊपर क्या लगा देंगे टिक का निशान लगा देंगे। इसी तरह बच्चों उसने हमने ए निस्बत बी इज इक्वल टू एक्स निस्बत वाई। तो बच्चों निस्बत को ख़त्म करेंगे तो ये ए ओवर बी आ जाएगा इज इक्वल टू, इस निस्बत को ख़त्म करेंगे तो एक्स ओवर वाई आ जाएगा। हमने इसके ऊपर क्या लगानी है, अबदाले निस्बत। बच्चों अबदाले निस्बत क्या होती है, बच्चों हमने इन रकमों को चेंज करना है सिर्फ। हम क्या करेंगे, ये ए इसी तरह आ गया, इस बी की जगह एक्स की कीमत दर्ज कर देंगे इज इक्वल टू, इसी तरह इस एक्स की जगह ये बी की कीमत रिप्लेस कर देंगे बी ओवर वाई। तो बच्चों ये होती है हमारे पास अबदाले निस्बत। अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ और ये वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ तो मेरे पास ये बन जाती है अबदाले निस्बत। तो बच्चों यहाँ पर अबदाले निस्बत ए ओवर एक्स इज इक्वल टू बी ओवर वाई, ए ओवर एक्स इज इक्वल टू बी ओवर वाई। तो बच्चों कौन सा बनेगा, ए जो जिसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा टिक का निशान। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 14 के अंदर हमने उसने पूछा है ए निस्बत बी इज इक्वल टू एक्स निस्बत वाई हो तो हमने अक्से निस्बत लगानी है। तो सबसे पहले इस निस्बत को ख़त्म करूंगा तो ये ए ओवर बी आ जाएगा और ये एक्स ओवर वाई आ जाएगा। मैंने कौन सी लगानी है, निस्बते अक्स लगानी है हमने, अक्से निस्बत। तो बच्चों अक्से निस्बत क्या होती है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा दूंगा ये बी ओवर ए हो जाएगा और राइट हैंड साइड को भी उल्टा दूंगा तो बच्चों ये वाई ओवर एक्स हो जाएगा। बच्चों अक्से निस्बत क्या होती है, हम लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे जी, तो हमारे पास आ जाएगा अक्से निस्बत। तो बच्चों ये बी ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, बी ओवर ए इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो बच्चों कौन सा जोज बनेगा, डी जोज, इसके ऊपर क्या लगा देंगे टिक का निशान। इसी तरह बच्चों ये हमें वैल्यू दे दी, जोज नंबर है हमारे पास 14, 15वां, जोज नंबर 15वां हमारे पास ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। बच्चों हमने इसके ऊपर क्या लगानी है, तरकीबो निस्बत, सिर्फ अकेली तरकीबो निस्बत लगानी है हमने, तरकीबो निस्बत क्या होती है। बच्चों सबसे पहले ये पता है, अगर मैं इन दो नंबर को ऊपर की जानब जमा कर दूं ये नीचे वाला भी इसी तरह इक्वल टू, इसी तरह बच्चों इन दो नंबर को मैं ऊपर की जानब जमा कर दूं
और ये डी नीचे वाला इसी तरह, ये कहलाती है तरकीबे निस्बत। बच्चों ये कौन सी होती है? तरकीबे निस्बत। अगर मैं ये दो रकमें हैं मेरे पास ऊपर की जानब जमा करके ए और बी को, और ये वाला नीचे वाला भी इसी तरह, बच्चों इन दो रकमों को ऊपर की जानब जमा कर दूं और ये डी वाला नीचे इसी तरह, इसको कहते हैं तरकीबो निस्बत। और बच्चों हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या अगर मैं इन दो नंबर को नीचे की, ए ऊपर इसी तरह आ गया, इन दो नंबर को नीचे की जानब मैं क्या कर दूं जमा, इक्वल टू इसी तरह बच्चों ये सी हमारे पास इसी तरह आ गया, और इन दो नंबर को नीचे की जानब क्या कर दूंगा जमा, तो ये भी बच्चों क्या कहलाती है? तरकीबे निस्बत। बच्चों उसने जो के इसके ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू नहीं दी हमें, लेकिन ये वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे बच्चों इसके ऊपर निशान टिक का निशान लगा देंगे, ए ओवर नीचे ए प्लस बी इक्वल टू सी ओवर सी प्लस डी। तो बच्चों ये कौन सा जोज बनेगा? ए जोज। इसके ऊपर क्या लगा देंगे? टिक का निशान। तो बच्चों मैंने ये आप लोगों को MCQs जो हमें दिए गए सवालात के चार मुमकिन जवाब दिए गए थे, हमने अपने कंसेप्ट को सामने रखते हुए, क्योंकि हमने ये चैप्टर कर लिया है, हमने इसकी तमाम एक्सरसाइज भी कर ली हैं और तमाम इसकी मिसालें भी कर ली हैं एक्सरसाइज की, तो हम कर रहे हैं ये मुतफरका मशक। तो बच्चों अगर किसी भी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, टेंथ क्लास के मैंने चार चैप्टर करवा दिए हैं और इनकी तमाम एक्सरसाइज भी करवाई हैं मैंने और तमाम मसाले भी करवाई हैं मैंने, और तीसरे नंबर पे बच्चों मैंने ये चारों चैप्टरों की मुतफरका मशक भी हल करवाई हैं कंसेप्ट के साथ। अगर किसी भी स्टूडेंट को टेंथ क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।